हाँ भाई बहुत ब्रॉड है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे बैग्स। हमारे साथ है, तेरा चैनल है। हाँ भाई मेरा ही तो है। लोग मुझे पहचानता है, हमको तो कोई पहचानता नहीं है। आज भाई एक बंदा मिला, वो मुझे बोल रहा है कि भाई तुम बढ़िया वीडियो बनाते हो, इन्हें कोई नहीं जानता भाई। वो बंदे ने आके मेरे को बोला कि भाई आप लोग वीडियो बनाते हो ना। मैंने कहा हाँ। साला जबरदस्ती का अपने आप में खुश हो रहा है। गाइस वार्म अप के लिए हमारा चौंदा ले रहा है लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन लाइट वेट से हाई रेपिटेशन ले रहा है, क्योंकि ये मार नहीं सकते पुलअप्स, क्योंकि ये परात भर के खाना खाते हैं ना भाई। कर रहे हैं पुलअप्स भाई, तो कर रहे हैं पुलअप्स। हमारे बस की नहीं है, तो परात भर के खाना खाते हो ना तुम। लिमिटेड खाना खाया करो, अच्छी हेल्दी खाना खाया करो मेरी तरह। अभी देखो सुबह में चाय और टकाटक खा के आया हूँ। अभी भाई अभी भेजूंगा मैं वीडियो भाई की, बर्गर पेलते हुए मैकडी के। अरे मैकडी के का टिक्की खा रहे तो दिन याद है। हाँ मोमोज भी पनीर वाले गोलगप्पे खाते हुए पानी। वो तो भाई सप्लीमेंट लेते हैं, चल जाते हैं। तो पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं लेट पुल डाउन। हमारे चौंदे ने तो वार्म अप इससे किया और भानु ने भी, क्योंकि दोनों को पुलअप्स मारने में दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत भारी भरकम शरीर है ना इनका। तो चार सेट लगाएंगे, रेपिटेशन 18, 15, 12, 8। और चार सेट मारने के बाद में हम चारों सेट की वीडियो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यार वीडियो ना कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। और ढंग से करने का तरीका यही है, एक मिनट उदित, ये ग्रिप को पकड़ के एल्बो को हल्का सा आगे की तरफ और एल्बो ये, ताकि आपकी जो लटस मस डॉर्सी अच्छे से वर्क करे। अगर आप इसको बैक साइड कर देते हो, लाइक मतलब एक मिनट उदित, इसको ऐसे घुमा देते हो और पीछे की तरफ पुल कर, ये आपका पोस्टीरियर डेल्टॉइड है ना, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, ये चीज़ बहुत जल्दी थक जाएगा और आपको शोल्डर में स्ट्रेस पड़ेगा भाई का लट्टू बैक का। कर रहे हैं फंक्शनल ट्रेनर पे मशीन पे, वन आर्म रोइंग का सब ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं। बट वन आर्म रोइंग का तो ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है, वो एकदम बेस्ट एक्सरसाइज है। बंदे कहते हैं कि हमें ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। करने वाला होना चाहिए, बॉडी बनाने के लिए जुनून होना चाहिए, सब हो जाता है। तो हम कर रहे हैं केबल से सिंगल हैंड रोइंग, 12 से 12 या 10, 8, 6 ऐसे रैप मारेंगे हाई वेट में, वेट बढ़ा बढ़ा के। संडे हो या मंडे, डेली वर्कआउट करना है, डेली वीडियोस बनाने हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यार YouTube चैनल रन करे और आप लोग चाहते हो कि हमारा चैनल YouTube रन करे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए यार, फैला दो वीडियोस को, फैला दो चैनल को प्लीज़ गाइस। जब भी हम बनाम रोइंग करते हैं तो उसका डायरेक्शन है एकदम मसल्स को स्ट्रेटली आगे तक स्ट्रेच करता है। तो बनाम रोइंग में अलग थोड़ा ग्रेविटी की तरफ ज़्यादा है और इसमें ग्रेविटी आगे की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। तो मेक श्योर कि दोनों एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, हर चीज़ अपनी जगह बेस्ट है। तो कोई चीज़ किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, हमेशा हर चीज अच्छी होती है, करने वाला होना चाहिए। हम कर रहे हैं सिटेड रोइंग, और सिटेड रोइंग कर रहे हैं हम फंक्शनल ट्रेनर पे, क्योंकि हमारे पास में फ्री वेट वाली सिटेड रोइंग है जिसमें प्लेट लोडेड होता है, ठीक है। तो हम मार रहे हैं 3 सेट मार रहे हैं 20, 16, 12 और ऐसे होल्ड कर करके। अगर आपको अपने मसल्स को पीछे से थिक दिखाना है और थोड़ा मस्कुलैरिटी उसमें ज़्यादा चाहिए, तो आपको ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको मैं, बंदे कैसे करते हैं ये दिखा जरा। तो गलती ये कभी नहीं करनी है उधर करेक्ट फॉर्म में, आराम आराम से होल्ड कर करके पूरा आगे स्ट्रेच कर, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मेक श्योर ध्यान रखिए कि सिटेड रोइंग कभी भी कितना भारी हो जाए, अगर आप ढंग से 5-6 रैप नहीं मार सकते तो ना हैवी मत कीजिए उसको भी। आया क्यों नहीं वो कपूर भाई? मैंने उससे बोला कि आएगा, तो उसने बोला कि मैं तो लेट हो जाऊंगा। मैंने कहा लाइव लोकेशन भेज कहाँ है, तो ओयो के पास दिखा रहे सेक्टर 18 वाले बड़े वाले स्कूल के पास। क्या और गंदी गंदी बातें बताओ, पर्सनल लाइफ होती है ये बंदों की। तो अब हम आ रहे हैं चौथी एक्सरसाइज केबल पुल डाउन। ये बंदे ज्यादातर मैं जिमों में जाता हूँ या विजिट करता हूँ, किसी को पर्सनल ट्रेनिंग दी जाए, तो बंदे कहते हैं यार ये वाली एक्सरसाइज होती नहीं है। क्यों? क्योंकि पोस्चर में यही दिक्कत है कि एल्बो को एकदम ऐसे हल्का सा ऊपर रखना होता है, बंदे नीचे की तरफ कर देते हैं और रिस्ट पे एकदम कंट्रोल नहीं करते। तो मेक श्योर यार लोग
ये एक्सरसाइज अवॉइड ना करके यार इसको कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है लटस मसडोसी को निखारने के लिए। बैक को आर्क रख, शाबाश, बहुत बढ़िया। एल्बो थोड़ी सी ऊपर और चेस्ट अप। क्या करते हैं, एक तो इसको जल्दी जल्दी करते हैं और दूसरा एल्बो ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके करेंगे नहीं, आपको एल्बो ऊपर रखने, रेस्ट एकदम स्ट्रेट, ऐसे पीछे लाके मसल्स को होल्ड करना है, आगे ऊपर स्ट्रेच करना है, ये परफेक्ट तरीका है। तो हम कर रहे हैं पांचवी एक्सरसाइज अपर रोइंग, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इस लेट पुल डाउन पे नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एडवांस लेट पुल डाउन है, इस पे क्या होता है ना मसल एकदम बराबर से वर्क करते हैं, तो ये वाला लेट पुल डाउन इसलिए बाय किया था। तो हम इस पे फंक्शनल ट्रेनर पे इसको यूज़ कर रहे हैं, 12 से 10 रैप, 12 10 8 6, और वेट हमने सबसे पहले हैवी लिया है, इसके वजह से हम डंबल पुट ऑन करते हुए चले जाएंगे। सो हम गाइज सारे सेट नहीं करते, हम दो तीन सेट करके दिखाते हैं। जैसे हमने ये सेकंड थर्ड सेट कर रहे हैं, इसमें हमने वेट बढ़ा लिया है, पहले हमने 10 किलो रखे थे, तो अभी थर्ड सेट चल रहा है हमारा। चौंधा पहले इस पे वेट पे झूल जाता था, अब तो ये वेट मान लेता है, मेरी संगति का असर है भाई। भाई करी तो बैक है भाई, जब है तो दिखाऊंगा ना। सो हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं हाइपर एक्सटेंशन। हम डेडलिफ्ट नहीं करते, क्योंकि यार एक तो एक वो अपना कोई रोल नहीं है यार डेडलिफ्ट से। हाँ पावर एक्सरसाइज है, कि उसमें दो मसल से दो जॉइंट ज़्यादा काम करते हैं, बट हम उसका सब्स्टिट्यूट में ऑल्टरनेटिव लेके ये हाइपर एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। ये नलायक अब आया है और देखो ये फालतू का कुछ किया है नहीं इसने और चमका रहा है। तो हम तीन सेट लेंगे और रेपिटेशन रखेंगे 20 से 25 रैप, ठीक है। बैक का वर्कआउट हो गया है डन, और बैक में आ गया है पंप, देख रहे हो विनोद। तो है साइकिल चला रहा हूँ साइकिल, हाँ अभी साइकिल चला के आऊँ ना मैं 10 मिनट। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यार प्लीज प्लीज फैला दो वीडियोस को।